नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप गाजियाबाद यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नई अपडेट और नए सफ़र पर ले चलेंगे, तो सफ़र के लिए तैयार रहें। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर की, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है और इसका निर्माण आप देख सकते हैं व्यू में हो रहा है। तो ये इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद स्थित न्यू बस स्टैंड पर प्रस्तावित दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का स्टेशन न्यू बस स्टैंड के नाम से, जो आप देख सकते हैं व्यू में। यह न्यू बस स्टैंड रैपिड रेल का स्टेशन बन रहा है, तो आप देख सकते हैं रैपिड मेट्रो का स्टेशन बन रहा है व्यू में। और ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होगा, क्योंकि गाजियाबाद में न्यू बस स्टैंड पर ही एक दिल्ली से गाजियाबाद तक मेट्रो की लाइन भी है, जो इसी के कॉरिडोर के बीच में आ रही है। तो इसकी वजह से ये स्टेशन भी ऊंचा बनाया जा रहा है। तो इसकी जानकारी मैंने अपनी पहली वीडियो में दी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप लिंक को छूकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो में जो जान सकते हैं कि न्यू बस स्टैंड मेट्रो जो रैपिड ट्रेन का स्टेशन प्रस्तावित है, वह ऊँचा क्यों बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं व्यू में पिलर पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, और आगे देख सकते हैं आप पिलरों पर मशीन द्वारा कुछ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बारे में, तो ये कब तक पूरा हो सकता है संभावना है। और जहाँ तक बात है तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल की, तो सबसे पहले सहीवाबाद से दुहाई के बीच ही रैपिड रेल चलाई जाएगी, जो कि 18.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। फर्स्ट फेज में सहीवाबाद से दुहाई के बीच ही चलाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं व्यू में पिलर अपना आकार लेते हुए, और बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है रैपिड रेल का। तो मैं बात करता हूँ एक और जानकारी की, तो इसका रैपिड मेट्रो का जो डिपो बनाया जा रहा है, वो दुहाई में ही बनाया जा रहा है। तो दुहाई में ही इसका मेंटेनेंस कार्य होएगा। तो आप देख सकते हैं व्यू में निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक अमाउंट में दे रखा है। संदीप गाजियाबादी नाम से भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया था दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इससे पहले के बारे में डिटेल, तो उससे भी आपको समझने में आसानी होगी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के बारे में। तो आप देख सकते हैं व्यू में किस तरह बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है, और ये देख सकते हैं आप जगह जगह ये आधुनिक मशीन द्वारा ही कार्य हो रहा है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के बारे में, तो कब तक पूरा होने की संभावना इस कॉरिडोर की, और कब तक इस पर रैपिड मेट्रो ट्रेन दौड़ सकती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की अपडेट ज़रूर आती रहेगी चैनल पर। तो आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो आप व्यू में देख सकते हैं ये पिलर के ऊपर एक बड़ी सी मशीन जो कार्य कर रही है, तो इसका मैं नाम नहीं जानता, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, जिससे मुझे पता चल सके। तो आप देख सकते हैं पिलर के ऊपर वायोडक्ट बिछा दिए गए हैं, जिस पर रेलवे ट्रैक बिछा दिया जाएगा, और इसी के ऊपर ही रैपिड मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। और देख सकते हैं आप वायोडक्ट बिछा दिए गए हैं पिलर के ऊपर पूरी तरह से, व्यू में देख सकते हैं आप।
और ये काफ़ी दूर तक बिछा दिए गए हैं, तो बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। तो व्यू में देख सकते हैं, अब हम राजनगर एक्सटेंशन पहुंच चुके हैं। तो राजनगर एक्सटेंशन पर किस तरह से कार्य चल रहा है, तो यहां तक बायोडक्टर बिछा चुके हैं पिलर के ऊपर, और देख सकते हैं पिलर पूरी तरह से तैयार है। तो आप साइन बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, भारत की प्रथम रीजनल रेल रैपिड रेल RRTS दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। तो आप व्यू में देख सकते हैं, दूर दूर तक पिलर पूरी तरह से बिछ चुके हैं। 18.5 किलोमीटर लंबे इस फर्स्ट फेज़ में दुहाई से सैयाबाद के बीच बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, और सबसे पहले रैपिड ट्रेन इसी कॉरिडोर पर ही चलेगी दुहाई से सैयाबाद के बीच। तो आप देख सकते हैं पिलर के ऊपर वायाडक्ट बना चुके हैं। तो आप साथ में देख सकते हैं मशीन, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह आपको नई नई अपडेट मिल सकेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक अबाउट में दे चुका हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ तक पता है तो 2022 की शुरुआत में ही यहाँ रैपिड ट्रेन का सेट पहुँच जाएगा। तो रैपिड ट्रेन का सेट का यहाँ ट्रायल चालू कर दिया जाएगा दुबई से सैयाबाद के बीच। तो इसी इस कॉरिडोर में सबसे पहले सैयाबाद से दुबई के बीच ही रैपिड ट्रेन के सेट का ट्रायल किया जाएगा। तो चलते चलते आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।